नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मुकेश कुमार गोलकर। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले T20 मुकाबले को लेकर टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बिहार के लाल को जगह मिली है। इसके बाद से गांव जवार में खुशी की लहर है। इस खिलाड़ी के लिए बस यही कहा जा रहा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। 29 साल के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बता दें कि मुकेश कुमार का चयन भारतीय टीम में T20 मुकाबले में किया गया है। आपको बता दें कि इस सीरीज का शुरुआत 3 जनवरी से होनी है और इसमें 16 सदस्यों का चयन किया गया है, जिसमें मुकेश कुमार का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में बिहार के ईशान किशन का भी नाम है। उन्होंने पिछले दिनों वनडे में दोहरा शतक लगाकर तहलका मचाया था। मुकेश के क्रिकेट करियर में उनके प्रदर्शन की बात कर ले तो मुकेश कुमार ने इंडिया ए के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। इसी साल अक्टूबर महीने में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वहां उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुकेश ने इससे हार नहीं मानी, वे लगे रहे और उसके बाद बांग्लादेश ए और भारत ए के बीच में अनाधिकृत मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला, जिसमें उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 5 विकेट लेकर बांग्लादेश की कमर ही तोड़ दी थी। हालांकि मुकेश के इस प्रदर्शन का उन्हें इनाम मिला। 23 दिसंबर को IPL के मिनी ऑक्शन में बिहार के बेटे का दिल्ली कैपिटल ने 5.5 करोड़ रुपये में खरीदा। इस दौरान उनका बेस प्राइस मात्र 20 लाख रुपये था। मुकेश को खरीदने के लिए चेन्नई और दिल्ली के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन इन दोनों टीमों के बीच में पंजाब की भी एंट्री हुई, लेकिन आखिर में दिल्ली की टीम ने बाजी मारी और वह मुकेश कुमार के लिए IPL की तरफ से अब खेलते हुए दिखाई देंगे, तेज गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले हुए IPL ऑक्शन में ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। उन्हें 15.25 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। तब मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीदा था। मुकेश के अगर हम घरेलू क्रिकेट की बात कर लें तो साल 2015 में उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की, जिसमें अब तक 33 फर्स्ट क्लास, 24 लिस्ट ए और 23 T20 मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 123 विकेट, लिस्ट ए मैच में 26 और T20 मुकाबले में 25 विकेट अपने नाम किया है। आपको बता दें कि मुकेश कुमार का परिवार बहुत ही साधारण है। मुकेश कुमार के पिता काशीनाथ सिंह कोलकाता में ऑटो चलाते हैं और उनकी माँ गृहिणी है। हालांकि मुकेश ने इन तमाम कठिनाइयों के बीच में क्रिकेट को कभी छोड़ा नहीं और आज उन्हें भारतीय टीम में खेलने का मौका मिल गया। मुकेश कुमार बिहार के कांकुड़ गांव के रहने वाले हैं। मुकेश कुमार का परिवार बहुत ही साधारण है। उनके पिता स्वर्गीय काशीनाथ सिंह कोलकाता में टैक्सी चलाते थे, जिससे उनका घर परिवार चलता था। हालांकि ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन मुकेश ने क्रिकेट खेलना कभी बंद नहीं किया। मुकेश की माँ का नाम मालती देवी है, वह गांव में ही रहती है। वह बताती है कि इसी गांव में वह बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करता था, आज वह इस मुकाम तक पहुँचा है। मुकेश का जब पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ था, उस समय मुकेश के चाचा धर्मनाथ सिंह ने बताया था कि हम लोग बहुत खुश हैं, गांव के लोग भी बहुत खुश हैं, मेहनत के बल पर आगे बढ़ा है। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उसने ग्रेजुएशन किया, बचपन से क्रिकेट खेलता था। वह कहता था कि मैं अपने मुकाम को हासिल करूंगा, और इच्छाएं होती है तो व्यक्ति अपने मुकाम को हासिल करता ही है। मुकेश कुमार ने भी आज सिद्ध कर दिया कि वो मेहनत के बल पर कुछ भी कर सकता है, और आज मुकेश कुमार भारतीय टीम में शामिल हैं। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाले T20 मुकाबले में 16 सदस्यीय टीम में उन्हें जगह मिली है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैच में मुकेश कुमार अपना बेस्ट दे और शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दे और प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। हम मुकेश कुमार के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुकेश कुमार एक धारदार गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम में लंबे समय तक बने रहें।